मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है। आपकी वजह से मैं आपको बता दूं कि मैंने 10,000 रुपया रेकी करके कमाया है अभी इसी वीक में। अरे वाह, और कल 2 डॉक्टरों की हीलिंग करी है मैंने। अरे वाह, गुड एमडी डॉक्टर है, एमएस डॉक्टर है, दोनों की हीलिंग करी। कंग्रेचुलेशन सर। घर पे आए थे वो लोग और उनका मैंने रेकी किया है मैडम। एक जन से 5-5 हज़ार रुपये लिए मैंने। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, चलिए नाइस। नहीं, आपने है ना जो सिखाया ना मैडम, मैं बहुत मतलब आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा पढ़ाते हो और इतना अच्छा है ना हमको ये दिया ना, इतना डिटेल में। मैं पहली बार सीख रहा हूँ ये चीज़, और मेरे को पहले दिन से जब से सीखना शुरू किया है ना तब से मेरे को मतलब है ना अच्छा लग रहा है। और पहली बात तो है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, अभी मैं अपनी वाइफ को ठीक कर दिया, कल 2 डॉक्टरों का इलाज किया है। उनको अगर मैं बोलता ना कि भाई 1,000 रुपया दो तो वो नहीं करवाते इलाज। मैं आपको बता देता हूँ, उनको मैंने 5,000 बोला तो वो करवा के गए और उनको सेटिस्फेक्शन भी हुआ। ऐसा भी होता है, होता है, ऐसा भी हाँ होता है। नहीं, मैं तो फ्री में ही करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं इनका फ्री में किया ना तो यकीन नहीं करेंगे कि कुछ हुआ है। जब अपन जब होटल में पैसा देके खाते तो पेट भर जाता है तुरंत, और घर में वही खाना खाते हैं ना तो अपने को मतलब लगता है कि यार अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको बोला 5,000 रुपये आप बोलो तो शुरू करो, तो एक एक घंटा मैंने उनको किया, उनको आराम लगा एकदम। कल चलिए की बहुत, बात है, कल की। हाँ चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब आपको समझ में आया कि क्या होती हैं ये सारी एनर्जीज। और रही बात आप जिन की बात कर रहे थे ना, मैंने तो जिन को पता है आंखों से देखा है। वो उठा के ना पूरा कम खम्बा उठा देते हैं उनको, तो मतलब वो दूर ही रहो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान ऐसे नहीं पहुंचाते। अगर उनको कुछ भेजा जाता है, जिन भी बहुत सारे तरीके से होते हैं कि आपको उनको भेजा जाता है किसी पे, आपको ये काम करना है करना है, तो वो उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके लिए उसको भेजा जाता है, बाकी को कुछ नहीं करते। तो ये अब ये एक अलग साइंस है। अब उसके लिए तो पूरा वहां तक पहुंचना पड़ेगा, वहां तक तो मैं भी नहीं पहुंची हूं, पर बस थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, चलिए। इसमें मैडम एक तो क्या है ना, इज्जत भी मिल रही है। मैं तो सोचा भी नहीं था, एस्ट्रोलॉजी तो मैं करता हूँ लेकिन इतना इज्जत नहीं था। अभी जब से रेकी में आया और लोगों को हील करना शुरू किया, 50 आदमी तो मैंने फ्री में किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 50-60 आदमी तो फ्री में किए हैं अभी। फिर मैं बोला यार अभी क्या है ना कि जितना फ्री में करेंगे ना तो बोलेंगे यार ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठा रहता है। तो अभी मैंने उनको बोला कि भाई ये चार्जेस हैं मेरे एक सेशन नहीं के। देखो, फ्री में नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत आपको चार्ज करना ही है, चाहे थोड़ा करो जाए वो आपकी चॉइस है, लेकिन फ्री में नहीं करना है सब नहीं, किसी। मैंने कल किया ना, उनको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, बोले कि और भी लोगों को।